हाय किसान दोस्तों, के कृषि से रिलेटेड चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि से रिलेटेड यूट्यूब चैनल, जो कृषि से संबंधित जानकारी यहां दिया जाता है। देखिए, मेरे खेत में अभी फ़िलहाल 10 से 15 दिन रोपाई हो चुका है खेत में, और इसका ग्रोथ देख सकते हैं आप, इसका ग्रोथ बहुत ही कम है। इसलिए कौन सा खाद का प्रयोग करें कि इसका फुटाव और कल्ली अधिक से अधिक निकले। देख सकते हैं पूरे खेत में ऐसे है, जो जिंक के कमी के कारण पीलापन दिख रहा होगा, आपको दिखाते हैं। अब इसके लिए कौन सा खाद का प्रयोग करें जो अधिक से अधिक फुटाव और कल्ले की संख्या अधिक हो, और आपको हम रिजल्ट के साथ दिखाते हैं। देखिए कितना कम फुटाव है। इसमें हम प्रयोग करेंगे, आपको आप तो DAP हम प्रयोग कर नहीं सकते क्योंकि इसका जड़ पूरा मजबूत हो गया है। हम करेंगे पर एकड़ 20 किलो यूरिया और 5 kg 33% जिंक, और पोटाश डाले हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी डाल सकते हैं आप। और उसके साथ एक कीटनाशक में ले लेंगे 4G या 10G कोई सा कीटनाशक, और इसके बाद इसका रिजल्ट दिखाते हैं 10 दिन के बाद आपको। आप देखिए किसान दोस्तों, इसका हम प्रयोग कर दिए हैं जो जो खाद बताए थे उसका, और 10 आज 2-4 दिन हो चुका है। इसमें कितना हरियाली और कितना अच्छा देखने में लग रहा है, देख सकते हैं आप। इसका फुटाव भी देख सकते हैं, कल्लों की संख्या बढ़ रहा है। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20। और इसका अभी फुटाव होगा क्योंकि ये अभी ग्रोथ पर ही है, देख सकते हैं आप भी। रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में साउंड आता है।